रायबरेली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के रायबरेली दौरे में अराजकता चरम पर रही। जगह जगह जनसभाओं में आए समर्थकों ने लोगों से बदसलूकी की और एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं दिया। हद तो तब हो गई जब लाल टोपी लगाए सपा समर्थकों ने एक युवक को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जो जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि दरअसल दो दिवसीय दौरे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव रायबरेली में हैं। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा लखनऊ प्रयागराज मार्ग से जा रही थी कि एक युवक मुंशीगंज की तरफ से रायबरेली की ओर आ रहा था। अचानक किसी बात पर स्वागत के लिए खड़े समर्थक किसी बात से नाराज हो गए और युवक से बहस करने लगे। इसी बीच कुछ और सपा समर्थक आ गए, जिन्होंने युवक को पीटना शुरू कर दिया। युवक को इतनी बेदर्दी से मारा गया कि वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया। उसे बेहोशी की अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की पहचान नहीं हो सकी है। मारपीट का यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो में लाल कुर्ता पैजामा पहने हुए कुछ लोग एक युवक के बीच सड़क पिटाई कर रहे हैं। पिटाई करने वाले युवकों ने सपा की लाल टोपी जैसी कैपी लगा रखी है। वायरल वीडियो कोतवाली थाना इलाके के बरगद चौराहे के पास का बताया जा रहा है। पिटाई से युवक बेहोश हो गया है। युवक को गंभीर हालत में पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। जिला अस्पताल के डॉक्टर संतोष सिंह के अनुसार युवक के सिर में चोट आई है। हालात सीरियस है। युवक के पास से कोई पहचान पत्र आदि नहीं मिला है। आइए देखते हैं। एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट।